नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, ये गुलदाउदी का सीजन है, गुलदाउदी का टाइम है। बहुत लोग कह रहे हैं कि गुलदाउदी के पौधे तो हैं लेकिन ये थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन इसमें कलियां नहीं आ रही। ये देखिए पौधे, नजदीक से मैं दिखाता हूँ कितनी कलियां आई है। ये कलियां बहुत बहुत ज्यादा कलियां आई है। हमने ज्यादा कुछ इसमें कलियां में किया नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत लोग कहते हैं कि कलिया के टाइम नहीं है, ये मेरा सेड में पौधा है, अगर आपके पास कलिया नहीं है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको कलिया का जो है पौधे को जो बिल्कुल ओपन एरिया में रखिए, जहां पर दिन में कम से कम 5-6 घंटे की धूप लगे और रात को कम से कम 7-8 घंटे की, रात को अंधेरा होना चाहिए। जितना ज्यादा अंधेरा अगर रात में रहेगा, जितनी ज्यादा ओस गिरेगी पौधे के ऊपर, उतनी ज्यादा इसमें कलिया आएगी। एक एक में देखिए 5-5, 6-6, 7-7 करके कलिया है, इसमें कितने कितने कलिया है। लेकिन उधर का देखिए एक पौधा है जिसमें हमारे यहाँ अभी भी नहीं आए कलिया। ये देखिए ये पौधा, इसमें अभी भी कलिया नहीं है। ये देखिए नजदीक से दिखाता हूँ आपको, इसमें कलिया नहीं आई अभी तक। तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर कलिया लेनी है तो आपको मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपकी बूस्टर कैसे करें, आपके पौधे के ऊपर, गुलदावरी के पौधे के ऊपर कलिया आने के लिए क्या क्या बूस्ट करें, कैसे करें, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने करीब 5-7 लीटर पानी लिया है यहाँ पर। ये देखिए पानी लिया है, इसमें आपको दो चीज पहले मिलाऊंगा मैं। पहली जो बात है ये आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें मिलाते हम 052-34। ये 052-34 एक सोल्यूशन, ये है नमक है, सॉल्ट है, ये आपको मिला देते हैं। आधा चम्मच आप मिला सकते हैं। अगर 052-34 आपके पास नहीं है तब आप ये भी मिला सकते हैं। ये मैं दिखाने के लिए मिला रहा हूँ, आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये आधा चम्मच है, इसमें ले रहा हूँ मैं, ये है एनपीके सुपोला 10-26-26, ये आप ले सकते हैं दाने, आधा चम्मच ये डाल दीजिए। और उसमें फूल में फुटाव के लिए आपको डालना है ये थोड़ा सा मात्रा में पोटासियम, ये म्यूरेट ऑफ पोटास है। अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं है तो सल्फेट ऑफ पोटास भी डाल सकते हैं। ये जो दाने हैं ये आप डाल दीजिए यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन में। और इसमें जो कलियाँ आती है, बहुत सारी कलियाँ आती है, वो खिलती नहीं है, ओपन नहीं होती है। तो आपके पास ये चाहिए बोरोन, ये बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बोरोन आप ले लीजिए, आधा चम्मच थोड़ा सा आप बोरोन डाल लीजिए इसमें, और ये आप करके इसको घोल लीजिए। ये जो सॉल्यूशन बन गया इसको आप जो है, ये देखिए ये सॉल्यूशन है, साथ साथ घुल जाता है अच्छी तरह से। करने के बाद आपको लेना है 100-100 ml, एक एक गमले में आपको डालना है। ये देखिए डालने का तरीका मैं दिखाता हूँ नजदीक से, ये आप डालिए करीब 100-100 ml आपको अभी डालेंगे, 7 दिन बाद आपको एक बार और डालना है। ये देखिए पानी की जगह ये सॉल्यूशन डाल दीजिए आप। अगर आप ये डालेंगे मैं गारंटी देता हूं, अगर धूप आती हो दिन में और रात को अगर अंधेरा होता हो तो आपके लिए गारंटेड इसमें कलिया आएगी ही आएगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये आप जरूर से करिए ट्राई। ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा ताकतवर सॉल्यूशन है। ये आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो है कलिया है जरूर से जरूर आएगी। बहुत सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं। ये बहुत आसान सा तरीका है, ये मैं दिखाता हूँ, आपको डाल देता हूँ सब में, और इसमें भर भर कर कलिया आएगी। अगर कलिया नहीं भी आ रही है, अगर फूल नहीं खिल रहा है तो आप इसमें फूल जरूर से खिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको, ये तीन चीजें, कोई भी तीन चीजें डाल के इसमें डालिए, ये फ्लावर या बूस्टिंग सॉल्यूशन है। ये आप करने से आपको बहुत बहुत पौधा आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।